वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स, और मैं आरती शर्मा फिर एक बार आपके हाथ सामने हाजिर हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ। फ्रेंड, आज मेरी हो रही है तबीयत ख़राब, और उधर बना रही है काव्यांशी चाय, और काव्यांशी को चाय देने के बाद थोड़ी चाय और दवाई पी के मैं थोड़ा देर के लिए लेटने वाली हूँ। इधर बच्चे करेंगे काम थोड़ा बहुत, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा रिलैक्स करने के बाद फिर उठ के फिर काम करूँगी। सो फ्रेंड्स, इधर ले आई है काव्यांशी मेरे लिए बिस्किट और चाय। तो फ्रेंड्स, इधर कर दी बच्चों ने सफाई जल्दी जल्दी से। तो फ्रेंड्स, मम्मा की तबीयत खराब है, सो घर का काम अभी हम कर रहे हैं, एंड उनको मेडिसिन देख के सुला दिया है हमने, क्योंकि भाई दिन भर काम वाम करती है। आरती, ये ले चाय पी, फिर दे दवाई ले जाऊँगा। ये देखो, आज पता नहीं क्या हो गया, इसकी तबीयत खराब है, ये ले चाय पी ले। सो फ्रेंड्स, देखो कितना सुंदर फूल खिला है, तो मैं इसे तोड़ के चढ़ा देती हूँ गणेश जी भगवान को। तो मैं फिर गणेश जी भगवान को जब फूल चढ़ाने गई तो मेरा मन नहीं माना और मैंने कर ली जल्दी से पूजा। सो फ्रेंड्स, बच्चे मान नहीं रहे, इसके पापा भी नहीं मान रहे। इनके पापा कह रहे कि चल नहीं, दवाई लेके आएंगे, दवाई लेके आएंगे डॉक्टर के पास। तो मैंने कहा चलो लेके आते हैं। तो आज तो यहाँ से हमने ली दवाई, और दवाई के सामने फिर शॉप कूलर की। मैं आया था इसको दवाई दिलवाने, तो ये कहने गर्मी ज़्यादा हो रही है तो एक कूलर भी ले लो। तो हम ये कूलर की शॉप पे आए, तो अब देखो क्या कहता है ये, बार्गेनिंग कर रही है, देखो क्या कहते हैं क्या नहीं करते। ये कूलर पसंद आया, अब देखो क्या करते हैं, ये पेमेंट करेंगे और ये कूलर हम अपने घर ले जाएंगे। और सो फ्रेंड, बच्चों वाले रूम में बहुत गर्मी होती थी, तो मैंने कहा इनसे कि मैंने कहा एक छोटा सा कूलर देख लेते हैं। ये हम दुकान पे आए हैं कूलर लेने के लिए, और ये भैया है हमारे, इनसे हमने लिया है। अभी आपको अपनी दुकान का नाम और क्या क्या मिलता है यहाँ बता देंगे। और आपके भैया यहाँ पे फाइनेंस भी होता है क्या? फाइनेंस भी हो जाएगा, एचडीबी भी है, आईडीएफसी है, बजाज है, होम क्रेडिट है, सारे फाइनेंस हैं। ठीक, थैंक यू भैया। तो फ्रेंड्स, हम पहुँच गए ग्रोसरी की दुकान पे, और वहाँ से लिए मैंने कॉफ़ी। तो फ्रेंड्स, इधर हस्बैंड ने आके बच्चों वाले रूम में कूलर सेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे पूरा दिन इस रूम में रहते तो इस रूम में कूलर की हवा पहुँचती नहीं थी पहले, तो उस कमरे में वो उस कमरे में ही रह जाती सारी कूलर की हवा। तो मैंने बोला कि मैंने कहा एक छोटा सा कूलर यहाँ लगाते ताकि बच्चों को गर्मी ना लगे, क्योंकि वो उस दिन में इसी रूम में रहते हैं, इसी रूम में पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, इसी रूम में जो भी करना होता है इसी रूम में करते हैं। तो मैंने कहा कि एक छोटा सा कूलर इस रूम में लगा लेते ताकि बच्चों को गर्मी ना लगे इस कारण। तो पहले हमने कूलर को कर दिया सेट, और उसके बाद हमने कूलर को वहीं एडजस्ट कर दिया साइड कॉर्नर में। ये देखो, हम ले आए कूलर और धीरे धीरे होंगे, और ये हमारे आदित्य जी ने अपना रूम बना लिया है इसको, कूलर के डब्बे को। यहाँ पर काव्यांशी ने हम सब लोगों के लिए सेक दिए ब्रेड, क्योंकि मेरी आज हिम्मत थी नहीं बिल्कुल भी,
मैं जैसे तैसे वहाँ से भी आ गई। उसके बाद मैं लेट गई तो काव्यांशी ने फटाफट सबके लिए ब्रेड बना सेक दिए और सबको कॉफ़ी और ब्रेड दिए खाने के लिए। तो इधर काव्यांशी मेरे लिए भी ले आई, तो मैंने दो ब्रेड और कॉफ़ी खाने में लेके और उसके बाद मैंने दवाई ली और मैं लेट गई। सो गाइस, यहाँ आदित्य कर रहा है मस्ती कि मम्मी आपके पैर दबाऊँ पैर दबाऊँ। फ्रेंड्स, आज मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण, वैसे तो मेरे हस्बैंड करते ही हैं पूजा, पर आज तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो इसलिए आज की पूजा भी वही कर रहे हैं। तो मैं आपको शाम के दर्शन करा देती हूँ माता रानी के। थोड़ी ज़्यादा ख़राब और अब तक भी फ़र्क नहीं लग रहा है। पता नहीं बच्चे कैसे करेंगे, क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देखती हूँ, थोड़ी हिम्मत हुई तो उनके लिए फुलके सेक दूंगी खड़ी होके, कोशिश करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इधर मैंने ले ली दोबारा से मेडिसिन क्योंकि हिम्मत चाहिए उठने के लिए और बच्चों के लिए खाना भी बनाना था। बच्चों ने दिन में भी ब्रेड खाए थे तो थोड़ी हिम्मत तो करनी पड़ती है ना। तो इस लोग मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे कि चारों एक साथ सटक लो, ये कर लो, वो कर लो। तो मैं कह रही हूँ इनसे कि हाँ, मैं चारों एक साथ ले सकती हूँ। तो ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं, मेरे साथ बातें कर रहे हैं। तो उसके बाद मैंने दवाइयाँ निकाली पैकेट से और फिर सारी की सारी मैंने इनको एक साथ लेकर दिखा दी। फिर मैंने दवाइयाँ लेकर, जब मुझे थोड़ा सा आराम लगा तो मैंने इनके लिए फटाफट सेक दिए फुलके। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे हस्बैंड ने कान्हा जी का भोग लगा दिया है। सो फ्रेंड्स, कान्हा जी का भोग लगाने के बाद हम सब लोगों ने खा लिया खाना और अब इस ब्लॉग को करते हैं ही एंड। शुभ रात्रि, गुड नाइट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा हो उतना शेयर करें। थैंक यू।